जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए 5 साल की मासूम की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग की हत्या गला घोटकर किए जाने की बात सामने आई है, जिसको लेकर परिजनों ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि जिस अवस्था में मासूम का शव बरामद किया गया था, उसे यह आशंका जताई जा रही थी कि मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। सोनारी 5 वर्षीय बच्ची के साथ आप सभी को पता है कि आज 21 तारीख उसके साथ उसके सौतेले पिता ने बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। और कल आज हम लोगों ने सुबह में समाचार पत्र के माध्यम से यह हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया है कि बच्ची के साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं किया गया है, किसी तरह की बेरहमी से उसकी हत्या नहीं की गई है, उसको गला दबा करके नॉर्मल तरीके से उसका हत्या किया गया है, जिसकी वजह से आज उनके घर वाले बहुत दुखी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से देख करके। इनका मानना है कि हमने जिस अवस्था में बच्ची को पाए थे, ये जो पोस्टमार्टम निकला है वो सरेजाम गलत है। और उसके घर वालों की पॉलिटिक्स में, राजनीति में उनके चाचा का और उनके पिताजी का हाथ है, जिसकी वजह से इस केस को दबाने का पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएसपी साहब से मांग करने आए हैं कि बच्ची के साथ न्याय करें और इस परिवार को न्याय दिलाएं, फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर से जांच करवाई जाए। परिजनों एवं स्वयंसेवी संगठनों ने रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए पूरे मामले की फिर से जांच कराए जाने की मांग जिले के एसएसपी से की है। परिजनों ने बताया कि साजिश के तहत आरोपियों को बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि उक्त हत्याकांड में मासूम के सौतेले बाप पर ही हत्या का आरोप लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे बच्ची की मां को उसके सौतेले पिता ने जेल से ही जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल एसएसपी से बच्ची की मां ने अपनी जान की सुरक्षा की भी मांग की है। कटा हुआ था और उसके गले पे एक माला था और हाथ पे एक कड़ा था और कपड़ा था, वो सब मतलब कुछ भी नहीं था उसके मतलब बदन पे। जब मेरे भैया देखने गए थे तो मेरे भैया बता रहे थे कि उसका गला से खून निकल रहा है। उसके बाद मेरे मम्मी मेरी मम्मी के साथ रहती है मेरी बेटी, तो हमको मेरी बेटी जब भूख हुई थी मैं मम्मी को लाई थी, मतलब जो पहनी हुई थी सब मैं मम्मी पहनाई नहीं मम्मी, क्योंकि हम उस समय ड्यूटी थे। जब हम आए तब हम पिछले बार उनके पास पोस्टमार्टम एक बार कॉल किया था हेडीडी से, मेरे को बोला कि तुम बहुत बुरा किया मेरे साथ जो किया, वो हम बता चुके थे, दीदी को भी बताए थे, फिर नंबर भी दिए थे सबको कि इस नंबर से कॉल आया था, अगर तुम बुरा किया तो आज हम निकले उसके बाद तुमको तो हम करेंगे तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। ये नहीं लिखा है इस एप्लीकेशन में, नहीं लिखे हैं वो बोए कि वो तो हम छुट्टी जाएंगे जैसा भी करके, उसका पापा छुड़ाई लगे, मैं पापा से छुड़ाई लगे, उसके बाद तुमको बताते हैं। नंबर भी मेरे पास है उसका, जो नंबर से कॉल किया था वो नंबर मेरे पास है।